अखिलेश को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य बनाएंगे अपनी नई पार्टी। समाजवादी पार्टी के सबसे करीबी कहे जाने वाले और सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादित टिप्पणी और बयानबाजी के लिए मशहूर हो जाते हैं। कभी हिंदू के खिलाफ बोलते हैं तो कभी ब्राह्मण के खिलाफ। इन विवादित टिप्पणियों के कारण अखिलेश यादव कई बार विपक्षी पार्टी का निशाना बन जाते थे और उन्हें इस बात के लिए माफी भी मांगनी पड़ जाती थी। अटकलें यह भी लगाई जाती थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की नैया डुबाने में लगे हैं और अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद यह बात साफ हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है और अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ 22 फरवरी को दिल्ली में नए राजनीतिक संगठन या पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने सोमवार को मीडिया से कहा कि हमने कार्यकर्ताओं पर आगे का निर्णय छोड़ दिया है। कि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं, वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है, आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था, वो खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, ये दुख की बात है। अब मैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मानवर कांशी राम जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की चाहत के अनुरूप उसके सम्मान स्वाभिमान हिस्सेदारी की लड़ाई अब लगातार आगे जारी रहेगी। अब कार्यकर्ता तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। चर्चा यह भी है कि पीडीए यानी कि पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक नेताओं को जोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए राजनीतिक संगठन के साथ सामने आ सकते हैं। इसमें सपा के उनके समर्थक भी शामिल हो सकते हैं। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा। जब सपा के संगठन में ही भेदभाव है, एक राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान निजी हो जाता है, जब एक ही पद के लोगों में भेदभाव है और मैं भेदभाव के खिलाफ ही लड़ाई लड़ता हूं, तो ऐसे पद पर रहने का औचित्य क्या है। सपा अध्यक्ष अखिलेश का बयान कि लाभ लेकर के तो सभी चले जाते हैं, पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष में रहकर शेख चिल्ली बघारना ठीक नहीं है, उन्होंने जो भी दिया है वह मैं उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा। स्वामी सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव से भी खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा में न सम्मान है न बातचीत का सलीका और तरीका आता है। इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी पूर्व विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी के साथ ही वह भी भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। सोमवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सवर्णों का हित साधने वाले सपा मुखिया पीडीए के साथ छलावा कर रहे हैं।
वह भाजपा से मिले हैं, इसलिए उसे हरा भी नहीं सकते। प्रजापति ने बताया कि दो दिन पहले सपा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया गया था। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव के ग्रह कब शांत होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन से लेकर पार्टी के नेताओं के गठबंधन तक सभी तितर बितर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।